Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi before you. Guys, today I have a doubt of making your concept clear about tense. मैंने कई comments पढ़े कि tense पे पूरी video बनाई जाए. तो आज मैंने ये सोचा कि आपके desire को, आपकी इच्छा को, आपकी ख्वाहिश को पूरी किया जाए. और now today we would like to wind up the complete tense in this video. So get ready and get your confusion diluted regarding tense. आप बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं. Most of the time you fall in tension. Yes or no? Yes. I would say कि टेंस का टेंशन से कोई लेना देना नहीं है. आप इस टेंशन को हटा दें. जिस तरीके से आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल भी मैं अपनाऊंगा नहीं. बिल्कुल नया, यूनिक एंड imbibing, worth listening to, and I'm sure enough that would embed in your mind. So let's start. अच्छा एक बात, टेंस शुरू करने से पहले एक ये स्ट्रक्चर आप देख लें. मैंने कहा टेंस का टेंशन से कोई लेना देना नहीं है. इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप बोलते हैं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं. मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो ये देखें, जब कभी भी आप कहेंगे कि लेना देना, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, and after that nothing to do with aur uske baad kuch bhi, right? Subject, has, have, nothing to do with, right? aur aapko pata hai ki agar he, she, it hai to has, you, they, we, I hai to have. ab do teen example dekhe. aap kahoge ki mera is mamle se koi lena dena nahi hai. आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू विद. यहां तक हो गए. उसके बाद इस मामले से, दिस मैटर, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर. मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं. अगर कहोगे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहेंगे ही has nothing to do with me. उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. He has nothing to do with me. दो तीन example और आप देखो और it will increase you in knowledge. Right? अगर मैं ये कहूं कि ये तो negative, अगर मैं एक सवाल करूं आपसे, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड एवरीबडी नोज कि जब कभी भी सवाल होता है ना, वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. दिस यू कीप इन माइंड कि जब कभी भी सवाल होगा ना, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. अब इसको ऐसे समझें, हेल्पिंग वर्ब यानी वो हेल्पर है, मदद करता है, राइट? वो बाहर क्यों आता? अब सोसाइटी में ये समझो कि आप कार से जा रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर है और हेल्पर भी है. कार को कहीं पे रोका और कोई सामान लाने बाहर जाना है, तो ड्राइवर तो ड्राइविंग सीट पे है, वो बैठा रहेगा. आप तो ओनर है, बाहर कौन जाएगा लाने के लिए? ऑफ कोर्स हेल्पर जाएगा. तो जान लो कि जब कभी भी सवाल होगा ना, तो क्या होगा? हेल्पर बाहर आएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कहूं क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है, तो कहेंगे हैव यू. अब हैव यू, अब यहां पे नथिंग है. दिस यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर नेगेटिव था तो नथिंग था, क्वेश्चन होगा ना तो होगा हैव यू एनीथिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट. इफ इट इज नेगेटिव, नथिंग, एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन, देन एनीथिंग. तो हैव यू एनीथिंग टू डू विद हिम, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है? हैव यू एनीथिंग टू डू विद हिम. Is that clear? And it's a question, that's why it's a question mark. Is that clear? तो अगर negative है तो nothing, सवाल है तो have. अगर positive हो, जैसे आप कहोगे मेरा इस मामले से लेना देना है, तो फिर आप कहेंगे I have. Now come on, if it is negative तो nothing, if it is question then anything, and if it is positive then it is something. I have something to do with this matter, with this
मैटर, मेरा इस मामले से कोई लेना देना है, राइट right. तो तीन चीज़ क्लियर हो गया. नंबर वन, अगर निगेटिव है तो नथिंग, अगर सवाल है तो एनीथिंग, और अगर पॉजिटिव है तो समथिंग. अब आप कुछ सवाल अपनी तरफ से बनाइए कि लेना देना. आप कहोगे ना कि अरे छोड़ो यार, मुझे क्या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. तो वेन वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ कि जब आप एक स्ट्रक्चर जाने उस पर इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आप इम्बेड कर जाए, राइट और वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, आई ऑलवेज से रिपीटेडली आई से अगर जानना 1 किलो इम्पॉर्टेंट है तो बोलना 100 किलो इम्पॉर्टेंट है. याद रखो, बोलना सिर्फ बोलने से आएगा. न बोलना न जानने का प्रॉब्लम नहीं है, न बोलना प्योरली न बोलने का प्रॉब्लम है, राइट नाउ कम ऑन. ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि लेना देना नहीं है. अब आप वापस आते, मैंने कहा कि टेंस का टेंशन से कोई लेना देना नहीं, ये बहुत आसान है. सी, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले आप ये देख लें कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड वो कहीं ना कहीं से डिराइव्ड है, यानी कहीं ना कहीं से लिया गया है. इंग्लिश के अपने शब्द नहीं, राइट आप देखेंगे कि हर एक वर्ड कहीं ना कहीं से बोरो किया गया है, राइट तो टेंस भी लैटिन वर्ड टेम्पस से बोरो किया गया. एक छोटी सा जोक मैं आपको सुनाऊं. इंडियन, हमारे हिंदुस्तान से भी, हिंदी से भी बहुत सारे शब्द इंग्लिश में लिए गए हैं. आपको पता है कि हिंदुस्तान, वो इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, उस पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो यहाँ तकरीबन 500 ज़्यादा रजवाड़े रहते थे. तो एक बार ऐसा होता है कि किसी हिंदुस्तानी राजा के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो एक अंग्रेज़ अपने हिंदुस्तानी दोस्त के साथ उसको अटेंड करने जाता है. जैसे ही वो महल के पास पहुँचता है, इतनी शानदार सजावट होती है कि हिंदुस्तानी जो होता है वो देख के कहता है, देखो रे शान. तो अंग्रेज़ कहता है, हाँ यू आर राइट टू से डेकोराशान, डेकोरेशान, मतलब देखो रे शान से डेकोरेशन बना है. अब ये किसी को बोल मत दोगे कि ये इट्स अ जोक, सिंपली इट्स अ जोक दैट यू आर गोइंग टू टेल एवरीवन. नाउ कमिंग बैक टू द टेंस, मैंने कहा कि टेंस भी अपना वर्ड नहीं है. ये कहाँ से लिया गया? ये टेम्पस से लिया गया है, जिसका सीधा साधा मतलब है टाइम, राइट तो टेंस का मतलब भी टाइम. नाउ द क्वेश्चन इज, टाइम ऑफ व्हाट, किस चीज का समय? तो याद रखो, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का समय. यानी किसी भी काम का जो टाइम होगा ना, उसी टेंस में हमें रखना. जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, कब सीख रहे हैं? कंटिन्यूअस काम करें, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश. अगर आप कहोगे मैं वहां जाता हूं, राइट तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा, आई गो देयर. कहोगे मैं वहां गया था, तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट वर्ब यूज करना पड़ेगा, आई वेंट देयर. मतलब टाइम ऑफ एन एक्शन. एंड एवरीबडी नोज कि एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, हर एक्शन वर्ड वर्ब होता है. यानी टेंस को समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें केवल वर्ब के फॉर्म पे ध्यान देना है. अगर वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमने सीख लिया यूज़ करना, तो टेंस आ जाएगा, और टेंस आ गया तो इंग्लिश आ जाएगी. इज दैट क्लियर? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जैसे ही वर्ब के फॉर्म को बदलेंगे, टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगा. एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा होगा, बदल क्या रहा है? आप कहोगे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा होगा. है, था और होगा बदल रहा है. आप देखते हो है तो कहते हो प्रेजेंट, आप देखते हो था तो कहते हो पास्ट, आप देखते हो होगा तो कहते हो फ्यूचर. तो है, था, होगा को देखकर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हो. ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी वर्ब बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा. डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा चीज देख लो. अगर कहें कि ही इज going home, he is going home. Come on, zone of caution. Home के पहले to नहीं लगता, he is going to home नहीं कहेंगे. हाँ, house के पहले to लगता, he is going to house. Right. और सबको मालूम है कि home और house में क्या फर्क है. हमारा जो अपना घर होता है, जिसे हम घर कहते हैं, अपना घर, right? This is your own house where you live, where you live with your family members and all. वो home होता है. और पूरी दुनिया के जो घर है, जितना भी घर है, right? वो house है. Anyways, he is going home. अगर आप कहेंगे he was going home और he will be going home. Now you tell me, बदल क्या रहा है? आप देखोगे is
was or will be ये बदल रहा है. He remains same, going remains same, home remains same. और जैसे ही is है तो आप कहोगे ये present है, अगर was है तो कहेंगे past है, और अगर will है तो कहेंगे फ्यूचर है. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखने के लिए हमें सेंटेंस में किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है. वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ब फॉर्म. और जैसे ही वर्ब का फॉर्म बदलेगा टेंस भी बदल जाएगा. इसका मतलब टेंस वर्ब का अलग अलग फॉर्म है, रूप है. इज द क्लियर गाइस? नाउ अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसे लिख लें. दो छोटे छोटे डेफिनेशन में बोल रहा हूँ और उसके बाद तीन चार्ट्स देंगे. टेंस को समझने के लिए बस तीन चार्ट्स में समझिए. एक होगा टिकी चार्ट, दूसरा होगा समोसा चार्ट, और तीसरा होगा मिक्स चार्ट. इतने मन ना समझोगे तो चौथा होगा चाटा. अब आप सोचेंगे वर्चुअल चाटा कैसे लगेगा, राइट? सो दैट यू कैन स्लैप योर सेल्फ. ओके, नाउ कम ऑन. अब छोटा सा डेफिनेशन सुनो. मैंने क्या कहा? टेंस इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस. टेंस इज अ वर्ड taken from the Latin word tempus, which means time. Tense एक ऐसा शब्द है जो Latin word tempus से लिया गया है, जिसका मतलब होता है time. Is that clear? और दूसरा definition कि tense is nothing but the different forms of a verb. Tense क्या है? Tense is nothing but the different forms of a verb. When we change the form of a verb, the tense changes. जैसे ही verb के रूप को हम बदलते हैं, टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाता है. एग्जाम्पल, ही इज गोइंग होम, ही वॉज गोइंग होम, ही विल बी गोइंग होम. अगर इज है तो प्रेजेंट, वॉज है तो पास्ट, और विल बी है तो फ्यूचर. इज द क्लियर? अब अगर आपने ये समझ लिया है तो आफ्टर दैट लेट्स सी द थ्री चार्ट्स. कम ऑन, यू नो व्हाट, इन इंग्लिश थ्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तीन का इंग्लिश में बहुत महत्व है. आप कहेंगे हाउ? सी, आप जब भी ट्रांसफॉर्म करोगे ना, वो तीन तरह का होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, बस. उसके बाद सेंटेंस तीन ही तरह के होते हैं, एक्शन, होना, रखना, दैट्स इट. टाइमिंग सेंटेंस तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फर्दर क्लासिफिकेशन तीन ही होते हैं, एक्टिव, पैसिव, कॉजिटिव. और मैं क्लास भी तीन ही दिन लेता हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. सो इन इंग्लिश एवरीथिंग इज इन थ्रीज, हर चीज तीन में होती है, राइट? अब देखो कि टाइम होगा तीन. कौन कौन सा? प्रेजेंट टाइम. और कौन सा? पास्ट टाइम. और कौन सा? फ्यूचर टाइम, राइट? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. देखो मैंने तीन चार्ट्स की बात की. जब तीन चार्ट हम दे देंगे तब टेंस कंप्लीट होगा. बीच में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा. अगर हम प्रेजेंट का बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन लें, राइट, आपको समझाने के लिए, तो मैं कहूंगा दैट विच इज, मतलब वो जो है ना वो प्रेजेंट है. दैट विच इज मतलब कि जिंदगी भर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वी हैव ओनली दीज वर्ड्स, एम इज आर, has, have, v1 or v5. कितने वर्ड्स हो गए? ओनली सेवन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओनली सेवन. मतलब जिंदगी भर आप प्रेजेंट की बात करते रहेंगे, यही सात वर्ड यूज होगा, आठवां नहीं होगा. इज द क्लियर? राइट. आप कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में बना करके देखो, ट्रांसलेट करके देखो, यूड फाइंड दैट ओनली दीज, वन ऑफ दीज सेवन वर्ड्स आर यूज, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी अदर वर्ड, राइट? और एवरीबडी नोज कि जहां वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है वहां हेल्पिंग वर्ब डज है, और जहां वर्ब का पहला फॉर्म है वहां हेल्पिंग वर्ब डू है, राइट? तो अब जस्ट मेमोराइज, इसको याद कर लो. जैसे बचपन से आप याद करते हो, कैट मतलब बिल्ली, रैट मतलब चूहा, गो मतलब जाना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक उसी तरह से आप मेमोराइज कर लो. जस्ट मेमोराइज, जस्ट गल्प, क्या आप याद कर लो कि प्रेजेंट मींस एम इज आर हैज हैव वी1 वी5. जस्ट मेमोराइज, मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट मींस एम इज आर has, have, v1, v5. Come on, once again. Present means m is r, has, have, v1, v5. आप अपने मन में बोल करके देखिए, ये embed कर जाएगा. इस तरह, और मैं बराबर कहता हूँ कि देखो, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसलिए नहीं कि हमें जानना है. जान गए m is r, has, have, v1, v5. लेकिन याद रखो, the more you practice speaking aloud, the quicker you learn spoken English. आप जितना ज़्यादा बोल कर प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे, और जितना चुप रहेंगे उतनी ही देरी लगेगी. अब आपको पता है,
कि जैसे एक टाइम से दूसरे टाइम में जाएंगे तो हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। तो अगर एम इज़ आर है तो कहेंगे दैट विच, एम इज़ आर की जगह पे क्या होगा, वॉज और वर, दैट्स इट, कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप कहोगे इट इज रेनिंग, पास्ट बोलो, आप कहेंगे इट वॉज रेनिंग। अगर मैं कहूँ ही इज कमिंग, पास्ट बोलो, ही वॉज कमिंग। अगर मैं बोलूँ कि आई एम वेटिंग, पास्ट बोलो, आई वॉज वेटिंग। यू आर गोइंग, पास्ट बोलो, यू वर गोइंग, दैट्स इट। सिर्फ आपको वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। अगर एम इज़ आर है तो वॉज वेयर, हैज़ हैव है तो हैड, और वी वन वी फाइव है तो वी टू, और डू डज है तो डिड। इसका मतलब प्रेजेंट में हो गए 7 वर्ड्स और पास्ट में हो गए 4, वॉज वर हैड और वी टू, 4 वर्ड्स, इज दैट क्लियर, राइट। और अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो कहेंगे दैट विच विल या शैल और उसके बाद बी, राइट। तो ये हो गया एक पहला चार्ट, आप जस्ट मेमोराइज एक बार याद कर लो कैसे कि प्रेजेंट मींस एम इज आर, हैज हैव, वी मन यू फाइव, पास्ट मींस वॉज वेयर हैड वी टू, और फ्यूचर विल और शैल बी। आप इतना से याद कर लो। क्या चार्ट नंबर 1 आपने नोट कर लिया? इफ यस, चार्ट नंबर 2 देखिए जरा सा। पहले मैं जरा सा रिकैप कर दूं, मैंने क्या कहा कि जब कभी भी आप देखो एम एस आर हैज हैव, तो आप कहो ये प्रेजेंट है। ये क्या है? ये प्रेजेंट। याद रखो जब इनमें से कोई एक वर्ड नजर आए तब आप कहेंगे प्रेजेंट है। अगर आप देखो वॉज वर और हैड तो आप कहो ये पास्ट है, और अगर आप देखो विल और शैल तो आप कहो ये फ्यूचर है। याद रखो जब आप ये देखोगे तब कहोगे, अगर ये नजर नहीं आया तो फिर हम नहीं कहेंगे। जैसे एक और अब अगर इसे आपने माइंड में रख लिया तो ये देखो वर्ब के 5 फॉर्म है, v1 v2 v3 v4 और v5। जब कभी भी आप देखो v1 या v5 तो आप कहो सिंपल प्रेजेंट, पूरा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, आप जो भी कह सकते हो। इसे प्रेजेंट इनडेफिनिट भी पुराने इंग्लिश में कहते थे। और जैसे ही v2 देखो तो आप कहेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, जो कहना चाहो। अब v3 को क्या कहेंगे? v3 को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ना प्रेजेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हैज हैव एम इज आर यहां पे नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है, वॉज वेयर हैड यहां नहीं है तो पास्ट नहीं है, विल शैल नहीं है तो फ्यूचर नहीं। याद रखो v3 को कहते हैं परफेक्ट, ये नाम है v3 का, परफेक्ट, राइट, जिसको पुराने इंग्लिश में पास्ट पास्ट पार्टिसिपल भी कहते, हम लोग इसको अब परफेक्ट कहते, राइट। और v4 को क्या कहते? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। माइंड द प्रोनंसिएशन, हम में से बहुत लोग इसको कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं, न्यूअस यानी क्रेस्ट और ट्रफ, शीर्ष और गर्त बनाते हैं, न्यूअस। नो, क्यों नहीं? क्योंकि कंटिन्यू की जो स्पेलिंग है वो है NUE, और जैसे ही OUS ऐड करते हैं ये ई ड्रॉप हो जाता है, इसलिए अब इसके स्पेलिंग में देख लो कंटिन्यू में तो ई है, कॉन्टिन्यूअस में ई नहीं है, विच इज़ वाई द प्रोनंसिएशन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये दूसरी चार्ट आप याद कर लें इस तरह से। पहली चार्ट तो ये होगी एम इज आर, हैज हैव, प्रेजेंट, वॉज वेयर हैड, पास्ट, विल शैल, फ्यूचर। दूसरा v1 v5 सिंपल प्रेजेंट, v2 सिंपल पास्ट, v3 परफेक्ट, v4 कॉन्टिन्यूअस। चलो मेरे साथ याद फिर से बोलो, एम इज आर, हैज हैव, प्रेजेंट, वॉज वेयर हैड, पास्ट, विल शैल, फ्यूचर। v1 v5 सिंपल प्रेजेंट, v2 सिंपल पास्ट, v3 perfect, v4 continuous. Go on, one more time you speak, that will embed to in your mind. M is R, has, have, present, was, were, had, past, will, shall, future. v1 v5 simple present, v2 simple past, v3 perfect, v4 continuous. And of course we'll see the third chart. Come on guys. So
एक बात, ये दो दो चार्ट आपने देख लिया. द पहला चार्ट, पहली जो चार्ट है वो ये है कि प्रेजेंट एमिजार हैज हैव, पास वाज वेयर हैड, फ्यूचर विल और शैल, राइट. और उसका V1 V5 सिंपल प्रेजेंट, V2 सिंपल पास, V3 परफेक्ट और V4 कॉन्टिन्यूस. आपको सबको पता है कि V3 और V4, यानी V3 के पहले आप कहते हो कि देखो हैज, हैव और हैड, और भी वर्ब यूज होता है, हम टेंस की बात कर रहे हैं, राइट. और V4 के पहले एम, एस, आर, वॉस, व और बी. अब ये जब दो चार्ट को आप मिला देंगे ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन चार्ट, टेंस चार्ट, यानी मिक्स चार्ट. देखो V3 को आपने क्या कहा, परफेक्ट. और अभी हमने लिखा है कि हैज, हैव को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट. तो दोनों मिलकर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, राइट. हैड को क्या कहेंगे, पास्ट. और V3 को परफेक्ट, दोनों मिलकर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट. उसी तरह से एम इज आर को हम बोलेंगे प्रेजेंट और V4 को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस, तो दोनों मिलकर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. वॉज वर को बोलेंगे पास्ट और V4 को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस, तो दोनों मिलकर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस. क्लियर, ठीक है. अब आप जरा देखिए, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा गोज. ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म. और जैसे ही वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल. और अगर मैंने इसको कर दिया गोइंग, तो अब क्या होगा, आईएनजी वाला. आपने कहा कॉन्टिन्यूअस, क्या कॉन्टिन्यूअस. अगर इसके पहले कहा इज गोइंग, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट, गोइंग को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, दोनों मिलकर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अगर हमने कहा वॉज गोइंग, तो गोइंग हो गया कॉन्टिन्यूअस, वॉज हो गया पास्ट, दोनों मिलकर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर हमने कहा गॉन, तो ये V3 है और सबको मालूम है V3 का मतलब परफेक्ट, तो ये केवल अभी परफेक्ट है. और अगर हमने कह दिया हैज गॉन, तो हैज को बोलेंगे प्रेजेंट और गॉन को बोलेंगे परफेक्ट, दोनों मिलके हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. और जैसे ही आपने हैज की जगह पे कह दिया हैड गॉन, तो हैड हो गया पास्ट और गॉन हो गया परफेक्ट, दोनों मिलके हो गया पास्ट परफेक्ट. तो दोनों अगर चार्ट को मिला दें हम, तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेशन चार्ट. दैट वुड बिकम अ कॉन्जुगेशन चार्ट, जिसे हम टेंस चार्ट कहते हैं. मैं आप लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप ध्यान से सुनिए, राइट. एंड ट्राई टू राइट डाउन इन योर ब्रेन्स डायरी, उसके बाद फिर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके. लिखते हैं टेंस चार्ट. राइट, इस तरफ हम लिखते हैं काइंड्स, इधर लिखेंगे काइंड्स और नीचे लिखेंगे टेंस, राइट. आप सबको मालूम है कि पहला जो है वो है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये चार हो गए, राइट. ये हो गए. इस तरफ काइंड्स है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और नीचे टेंस है. आपको पता है टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट. अब देखो याद करना, आपको मगअप करने की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू पैरोटिंग, राइट. रॉट लर्निंग की जरूरत नहीं. प्रेजेंट सिंपल अभी फौरन आपने याद कर लिया है कि V1 या V5. पास सिंपल अभी आपने याद किया V2. फ्यूचर सिंपल, राइट. आपने कहा कि अगर फ्यूचर है तो शैल और विल रहेगा, शैल या विल, ब्रैकेट मतलब ऐसा मत कहोगे शैल बटे विल, मतलब दोनों में कोई एक. और याद रखो शैल और विल है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, राइट. कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू. लेकिन यूज टू मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में मेन वर्ब की तरह यूज होता है, इज द क्लियर. तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो अपने वर्ब के पहले फॉर्म में होता है, तो इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा विल, राइट. तो ऐसे प्रेजेंट सिंपल V1 V5, पास्ट V2, फ्यूचर विल शैल V1. ये आपको याद कर लेना. अब आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
What is common over here? इनमें सब सब common क्या है? आप कहेंगे continuous common है, तो continuous is equal to V4. तो अगर continuous common है तो V4 सब में common है, V4 सब में common हो गया, right? अब याद करने की जरूरत है, चाहे कोई continuous हो, present continuous हो, past continuous हो या future continuous हो, V4 is common, that's it, V4 is common, इसमें कोई confusion नहीं. अगर V4 common है, right? तो आपको याद करने की क्या जरूरत, बस याद हो कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू वी फोर. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वी फोर इज कॉमन. अब याद रखो मैंने क्या कहा था, वी फोर के पहले क्या, बिफोर मैंने कहा था, वी फोर के पहले एम इज आर वॉज व बी. वी फोर के पहले बोलिए एम इज आर वॉज व बी. वी फोर के पहले एम इज आर वॉज व बी. अब इस एम इज आर वॉज व बी में प्रेजेंट मैंने क्या लिखाया, एम इज आर प्रेजेंट, दैट्स इट. पास्ट क्या होगा, वॉज व, और फ्यूचर क्या होगा, विल या शैल बी. क्लियर? आप देखो बदल क्या रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. वी फोर इज कॉमन, वी फोर इज कॉमन, वी फोर इज कॉमन, राइट. ये हो गया कॉन्टिन्यूअस. अगर प्रेजेंट है तो एम इज आर, पास्ट है तो वॉज वेल, फ्यूचर है तो विल शैल बी, दैट्स इट. आसान, कोई परेशानी, सो याद करने की कोई जरूरत नहीं, राइट. अब आप देखो नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. व्हाट इज कॉमन, अब इनमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे परफेक्ट कॉमन है, तो परफेक्ट इज इक्वल टू वी थ्री, परफेक्ट इज इक्वल टू वी थ्री, परफेक्ट इज इक्वल टू वी थ्री. तो जो भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वी थ्री कॉमन है. और अभी आपको बताया कि वी थ्री के पहले हैज हैव हैड होता है, वी थ्री के पहले हैज हैव हैड. अगर प्रेजेंट है तो हैज या हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल या शैल हैव, विल या शैल हैव. आप कहेंगे विल या शैल के बाद हैव, क्या हैज भी होगा क्या, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव. लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ही गोज और शी गोज और आई गो. लेकिन मैंने अभी बताया था कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है. तो याद रखो किसी भी मॉडल के बाद हमेशा हैव ही होगा, हैज और हैड नहीं होगा, क्योंकि हैज कहोगे तो वह पांचवा फॉर्म हो जाएगा और हैड कहोगे तो वह दूसरा फॉर्म हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव ही लगेगा, विल हैव, शैल हैव, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो. इज दैट क्लियर? तो अब देखो कितना आसान हो गया. अब फाइनल बचा है फाइनल, एंड दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. व्हाट इज कॉमन, तो आप कहेंगे इसमें कॉमन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज कॉमन. तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वी फोर. तो अगर कॉन्टिन्यूअस सब में कॉमन है तो वी फोर सब में कॉमन हो गया. और क्या कॉमन है, परफेक्ट. और परफेक्ट क्या होगा, बी का वी थ्री होता है बीन, तो बीन वी फोर, बीन वी फोर, बीन वी फोर कॉमन, सब में कॉमन. क्लियर? अब आपको पता है कि बीन यानी वी थ्री के पहले हैज हैव हैड लगता है. अगर प्रेजेंट है तो हैज या हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल या शैल हैव. ये चार्ट, ये जो चार्ट है आप देखेंगे ना, राइट, तो यू फाइंड दैट इट्स वेरी इजी टू इम्बाइब, इट इज वेरी इजी टू इनग्रॉस्ड इन. कैसे, आपको सिर्फ इतना याद रखना, प्रेजेंट सिंपल वी वन वी फाइव, पास्ट सिंपल वी टू, और फ्यूचर सिंपल विल शैल वी वन हो गया. अब इसके बाद देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में वी फोर कॉमन होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वी फोर. तो वी फोर को याद करने की जरूरत नहीं है. और आपको अभी तुरंत बताया कि वी फोर से पहले एम एज आर वॉज व बी. अब आपको पता है एम इज आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, और बी उसके अलावा. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम इज आर वी फोर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर वी फोर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल शैल बी वी फोर. परफेक्ट में वी थ्री कॉमन है, अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल शैल हैव. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉमन क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स वी फोर और परफेक्ट मीन्स वी थ्री. तो बीन वी फोर, बीन वी फोर, बीन वी फोर कॉमन. इज द क्लियर? बीन वी फोर, बीन वी फोर कॉमन. अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल और शैल और हैव. इज द क्लियर? तो ये एक चार्ट है, आप देखेंगे ना. अब इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, ऐसे प्रैक्टिस करो कि दो दोस्त बैठ जाओ और उसे बोलो, वो बोलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, तो आप बोलोगे
कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा वी फोर और प्रेजेंट है तो वी फोर के पहले एम इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब एम इज आर वी फोर. आप पूछो सिंपल पास्ट आप कहें वी वन वी फाइव राइट सिंपल पास्ट वी वन और वी फाइव रॉन्ग सिंपल पास्ट क्या होगा वी टू सिंपल प्रेजेंट वी वन वी फाइव. अगर आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस का मतलब वी फोर परफेक्ट का मतलब वीन और पास्ट है तो हैड बीन वी फोर इज द क्लियर. तो आप क्या करो इस तरह से अपने दोस्तों के बीच बैठ के प्रैक्टिस करो और देखोगे थोड़ी देर में ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. याद रखो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना थोड़ा कष्टदायक है. इफ़ यू आर रेडी टू एंड्योर द पेन देन ओनली यू कैन लर्न. अगर इस दर्द को कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हैं तभी आप सीख सकते हैं. देखो कामयाबी का एक छोटा सा मूल मंत्र है. मैं आपसे बात बताता हूँ छोटा सा. एक हेवी वेट चैम्पियन होता है हेवी वेट वो उठाता है राइट तो उससे ये और ही वॉज द चैम्पियन उससे पूछा कि आप क्या करते हैं कि आप चैम्पियन हो गए. उन्होंने कहा कि एवरी डे आई प्रैक्टिस सो मच सो दैट आई गेट टायर्ड आई गेट एग्जॉस्टेड. इतना प्रैक्टिस करता हूँ मैं थक जाता हूँ एंड आई कैनॉट लिफ्ट एनी मोर और मैं उठा नहीं सकता. आई फिगर आउट माई ओपोनेंट और मैं देखता हूँ कि मेरा ओपोनेंट भी प्रैक्टिस करके थक गया होगा. फिर मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ी देर और प्रैक्टिस करते हैं. आई गो एंड प्रैक्टिस फाइव मोर मिनट्स और उसके बाद इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कि आई कैनॉट लिफ्ट माई सेल्फ एनी मोर मैं उठा नहीं सकता. फिर क्या करता हूँ मैं जाता हूँ वॉशरूम में कि फ्रेश होते हैं. मैं अपने ओपोनेंट को देखता हूँ कि वो भी इतना ही थक गया होगा और वॉशरूम में जाकर वो नहा रहा होगा. मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ी एनर्जी और एकत्रित करो थोड़ी एनर्जी और लगाओ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. फिर मैं जाता हूँ मेरा जो ओपोनेंट है वो वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है जोंग्ड हो जाता है डॉग टायर्ड हो जाता है. लेकिन मैं इस सोच से आता हूँ कि थोड़ी और मुझे प्रैक्टिस करनी है और मैं आकर के 5 ही मिनट प्रैक्टिस करता हूँ कि अब मुझसे नहीं हो पाता और कहता है कि सुनो मुझ में और मेरे ओपोनेंट में बस 5 मिनट का फ़र्क है कि मैं उससे 5 मिनट ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मैं चैम्पियन हूँ वरना वो और हम दोनों ही सेम है. ही एंड आई आर एट पार. This five minutes of time gives me an edge. तो याद रखो अगर आपको एज लेना है दूसरों पे तो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी. और लैंग्वेज में आप कहते हो ना कि मैं ये सब जानता हूँ. मैं कहाँ कहता हूँ कि जानना इम्पॉर्टेंट है. मैं तो ये भी कहता हूँ कि बोलने के लिए ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप प्रैक्टिस करके तो देखिए आप बिल्कुल स्टार्टेड हो गए होंगे ना कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं. बिल्कुल आप यकीन जानिए अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करते रहो ना तो ग्रामर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. क्यों अब ये सोचो पहले ग्रामर की बुक आसमान से टपकी थी या फिर लैंग्वेज पहले ग्रामर बाद में राइट. एक छोटा सा बच्चा जब अपनी मातृभाषा सीखता है तो उसे किसी ग्रामर स्कूल में नहीं भेजते हम कि जाके ग्रामर सीखो तब बोलना शुरू करोगे. नहीं क्या होता है बस इतना ही करता है बच्चा. अ चाइल्ड इज़ अ हार्ड लिसनर. गौर से सुनता है और जो सुनता है उसको इमिटेट करता है दोहराता है. आप भी गौर से सुने इमिटेट करें बोलें. जब शुरू करेंगे तो गलत बोलेंगे और गलत बोलते बोलते ही आप सही बोलेंगे. इज दैट क्लियर. इसके बाद हम लोग देखते हैं. ओके गाइस तो रिकैप कर लो. मैंने क्या कहा कि 3 टाइमिंग होंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट के लिए एम इज आर हैज हैव पास्ट के लिए वॉज वेर हैड और फ्यूचर के लिए विल और शैल राइट. उसके बाद वी वन वी फाइव सिंपल प्रेजेंट वी टू सिंपल पास्ट वी थ्री परफेक्ट वी फोर कॉन्टिन्यूस. वी थ्री के पहले हैज हैव हैड और वी फोर के पहले एम इज आर वॉज वर बी. इज द क्लियर. अब आप देखिए मैंने क्या कहा कि हम जब कभी भी बात करेंगे 3 टाइम होगा प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम और द फ्यूचर टाइम राइट. सी प्रेजेंट का मतलब वी वन और वी फाइव पास्ट राइट और एम एस आर उसके बाद हैज और हैव ये राइट. तो याद करो प्रेजेंट वी वन वी फाइव एम एस आर हैज हैव 7 वर्ड्स. जब पास्ट में जाएंगे तो ये होगा वी टू. एम इज आर को बोलेंगे वॉज और वर और हैज हैव को बोलेंगे हैड. ये 4 हो गए. तो प्रेजेंट में कितने हो गए 7. पास्ट में कितने हो गए 4. तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3.
तो फ्यूचर में हो गए तीन, विल वी वन, विल बी और विल हैव। अब हमने शैल छोड़ दिया। आप कहेंगे शैल क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शैल नहीं बोला जाता, बल्कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। अगर कोई बोलेगा कि आई विल गो, तो वो बोलेगा आई विल गो, दैट्स इट। और अगर कोई कहेगा आई शैल गो, तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म होगा आई विल गो। इस तरह से इसका मतलब शैल भी होता और विल भी होता, राइट? तो मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग ना करके आप विल ही का प्रयोग करें तो आसानी होगी। ऐसे आपको पता है ग्रामर में आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल, एवरीबडी नोज दैट, राइट? तो बस इतना ही याद रखो, प्रेजेंट में सात वर्ड, पास्ट में चार और फ्यूचर में तीन। अब आप याद कर क्या करोगे, इस तरह याद करो, V1, V5, V2, will V1, come on, इस तरह V1, V5, V2, will V1, come on, बोलो मेरे साथ V1, V5, V2, will V1, M is are, was, where, will be, has, have, had, will have, कैसे बोलेंगे? V1, V5, V2, will V1, M is are, was, where, will be, has, have, had, will have, go like this, V1, V5, V2, will V1, M is are, was, where, will be, has, have, had, will have, is that clear? Now, अब नेक्स्ट स्टेप, आपने याद कर लिया V1, V5, इसका पास बोलिए V2, फ्यूचर बोले Will V1, राइट? M is R, इसका पास बोले Was, were, इसका फ्यूचर Will be। Now, Has, have, इसका पास पहले Had, फ्यूचर बोले Will have, right? अब आपको पता है कि M is R के बाद क्या होगा? V4। तो was were के बाद क्या होगा? V4। Will be के बाद क्या होगा? V4। Has have के बाद V3। तो had के बाद भी V3 और will have के बाद भी V3। अब अपने दोस्तों से एक प्रैक्टिस इस तरह करें, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही गोज, मैंने पहला वाला बोला और बच गया ये पूरा, 8 बज गया, राइट? मैंने कहा ही गोज, अब आपका दोस्त बोलेगा ही वेंट, ही विल गो, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ही विल हैव गॉन। आपका दोस्त आपसे कहा आई प्ले, अब बाकी आप बोलो, आप ऐसे बोलो आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले, आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, आई विल हैव प्लेड। देखो एक 100 बार बोल के देखो, प्रैक्टिस होगी, याद रखो, प्रैक्टिस टेक्स टाइम टू फॉर्म, जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि यह हैबिट ना हो जाए, राइट? चलो मैं बोल रहा हूं, आप और एक मैं बोलूंगा और आप बाकी के 8 बोलेंगे। ही कम्स, कम ऑन स्पीक, ही कम्स, ही केम, ही विल कम, ही इज कमिंग, ही वॉज कमिंग, ही विल बी कमिंग, ही हैज कम, ही हैड कम, ही विल हैव कम, कम ऑन बोलो। आई गो, बाकी बोलो, आई गो, I went, I will go, I am going, I was going, I'll be going, I have gone, I had gone, I'll have gone, right? He calls, चलिए बोलिए, he calls, he called, he will call, he is calling, he was calling, he will be calling, he has called, he had called, he will have called। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको इम्बेड कर जाएगा। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट, राइट? सो नाउ वील सी द ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर नाउ के इसकी मीनिंग क्या है। तो पहला वाला है V1 और V5। आप बताएं ये V1 और V5 कहाँ यूज होगा? तो एवरीबडी नोज कि जब कभी भी हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, हम जब कभी भी बात करते हैं डेली रूटीन की, तो V1 और V5 यूज़ करते हैं। बस आसानी से यूज़ कर लो, अगर हिंदी जान लो, जब कभी भी हम बात करेंगे करता है, क्या करता है, राइट? कर को मैंने सिंबल किया, ता है। अब ता ते ती लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना जानते हैं कि ता है का मतलब जाता है, जाती है, आता है, आते हैं, खाता है, ता। कर मैंने क्यों लिखा? ये कर शोज एन एक्शन, याद रखो। हम लोग सिर्फ याद करें ता ते, नहीं, कर के साथ, एक्शन के साथ अगर ता है तब V1 और V5 होगा।
एक्शन के साथ मतलब जाता है, जाना इज एन एक्शन, आता है, आना इज एन एक्शन, पढ़ता है, पढ़ना इज एन एक्शन, हंसता है, हंसना इज एन एक्शन, रोता है, रोना इज एन एक्शन, सुनता है, सुनना इज एन एक्शन। तो एक्शन के साथ अगर होगा तब वी वन वी फाइव लगेगा। अगर सिर्फ आप याद कर लोगे तातेती रहेगा तो वी वन वी फाइव याद कन्फ्यूजन होगा। जैसे दूध उजला होता है, यहां भी तो ता है ना, लेकिन क्या वी वन वी फाइव लगेगा? नहीं, आप कहोगे मिल्क इज वाइट। कुत्ते वफादार होते हैं, यहां भी तो ता है, क्या यूज होगा? नहीं, डॉग्स आर फेथफुल। ता है किसके साथ? एक्शन के साथ। जाता है, खाता है, पढ़ता है, सोता है, हंसता है, बैठता है, उठता है, भागता है, तब यूज होगा वी वन वी फाइव, अदरवाइज यूज नहीं होगा। अब यहां पे दो वर्ब है, सबको मालूम है कि अगर यू दे वी और आई हो या प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, तो फिर क्या यूज करेंगे? वी वन, राइट। और अगर ही शी और इट हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब अगर कहोगे कि वह जाता है तो ही गोज, मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, हम लोग जाते हैं वी गो, राइट। रवि जाता है, रवि एक हो गया तो रवि गोज, लेकिन रवि और आकाश जाते हैं, रवि एंड आकाश गो, इज क्लियर? अगर सिंगुलर है तो वी फाइव और अगर प्लूरल है तो वी वन, इज क्लियर? याद रखो कि नाउन और वर्ब अपने आप में बिल्कुल उल्टा है। नाउन में जब एस और ई एस लगाते ना तो वो प्लूरल होता, लेकिन जब वर्ब में एस और ई एस लगाते तो वो सिंगुलर होता है, ये याद रखो, राइट। जब नाउन में एस और ई एस लगाते तो वो प्लूरल होता, लेकिन जब वर्ब में एस और ई एस लगाते तो वो सिंगुलर होता, क्लियर? तो ये हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ आई नो, तुम जानते हो ही नोज, मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, वह जाता है ही गोज, क्लियर? अब आप देखो, राइट, लुक एट नाउ कि इसके सारे स्ट्रक्चर्स देखो। आपको पता है कि हम जब कभी भी बातें करेंगे तो सेंटेंस तीन तरह के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या हो गया? वी वन और वी फाइव। अगर निगेटिव बोलेंगे ना, नहीं, निगेटिव बोलेंगे तो आप कहेंगे डोंट या डजंट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही गोज, निगेटिव बोलोगे तो ही डज नॉट गो, डू डज डिड के बाद वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो अगर यू दे वी आई है तो डोंट गो, डोंट प्लस वी वन, ही शीट है तो डजंट प्लस वी वन। जैसे अगर कहो के मैं जानता हूं आई नो, मैं नहीं जानता आई डोंट नो, वह जानता है ही नोज, वह नहीं जानता ही डजंट नो, राइट। मैं इंतजार करता हूं आई वेट, मैं इंतजार नहीं करता आई डोंट वेट, वह इंतजार करता है ही वेट्स, वह इंतजार नहीं करता है ही डजंट वेट, इज द क्लियर? तो जब कभी भी निगेटिव होगा तो डोंट वी वन या डजंट वी वन, और अगर सवाल होगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव तो सबको पता है कि जैसे ही सवाल होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, इज द क्लियर? अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसको कहते हैं क्या, क्या, राइट, इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। आप कहेंगे यस नो क्वेश्चन क्यों कहेंगे? यस नो क्वेश्चन क्यों कहेंगे? क्योंकि हर वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। आप कोई भी सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू करके देखो, क्या तुम जा रहे हो? आप कहेंगे हाँ या ना। क्या तुमने नाश्ता ले लिया है? आप कहेंगे हाँ या ना। क्या तुम मुझे जानते हो? आप कहेंगे हाँ या ना। क्या तुम खाओगे? आप कहेंगे हाँ या ना। लेकिन तुम क्या खाओगे तो थोड़ी कहेंगे हाँ ना नहीं। तुम कहाँ जाओगे? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं घर जाऊँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, एट्सेट्रा। तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक वो सवाल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे यस नो कहते हैं। जो जब कभी भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसका जवाब हाँ या ना होगा। इस पे एक पूरी वीडियो मैंने बनाई जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। एक जोक सुनिए, पता है कि हमारे बिहार से
माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं लेबरर्स। अगर दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि एक दो साल रहे तो दिल्ली वाले अंदाज ही में बात करेंगे, राइट, और घर की जो भाषा थी वो भूल चुके हैं। एक ऐसे ही आदमी दिल्ली से वापस आया, पूरा गांव इलिटरेट था, किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन वो कुछ शब्द अंग्रेज़ी के बोल के आया, सीख कर आया था वहाँ, तो जो कुछ बोले बस वही बोले। लोगों ने कहा कि देखो कितना पढ़ा लिखा हो गया है, कुछ दिन दिल्ली में रहा, अंग्रेज़ी ही बोलता है। इत्तेफाक से, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ इत्तेफाक से, को इंसीडेंटली, इत्तेफाक से उस देश उस गांव में एक इंग्लिश मन भटकता हुआ आ जाता है। अब वो अंग्रेज़ बोलता है, किसी को समझ ही भी नहीं आता, तो कहता है अरे फलनवा को बुलाओ, वो बहुत अंग्रेज़ी जानता है। जब वो आता है अंग्रेज़ी बोलता है तो कुछ शब्द आते थे, अंग्रेज़ झुंझला करके एक तमाचा मार के चला जाता है। गांव वाला कहता है आज तुम्हारा भेद खुल गया, तुम बहुत डिंग हाँकते थे, तुमको कुछ आता जाता है नहीं। तो कहा कि तुम सब गांव के मूर्ख लोग मूर्ख ही रहोगे, पता है वो हमको चाटा क्यों मार के भागा। कहा क्यों, कहा इतनी अंग्रेज़ी जान करके ये गाँव में काहे के लिए सड़ रहे हो। तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही कुड मैनेज, राइट, एंड ही कुड मैनूवर इन हिज फेवर। ओके, राइट। तो जब कभी भी सवाल होगा तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसका जवाब हाँ या ना होगा। जैसे मैं बात करूँ कि वह आता है, ही कम्स, वह नहीं आता है, ही डजंट कम, क्या वह आता है, डज ही कम, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, राइट, क्या तुम नाश्ता लेते हो, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तो ये हो गया क्या वाला, इसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको पता है क्या और नहीं भी हम बोलते हैं, जिसे हम लोग निगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए डू है, इसी में नोट लगा दो, और डज है, इसी में नोट लगा दो, और सब्जेक्ट और वी वन रहेगा। लेकिन कम ऑन, जोन ऑफ कॉशन, ये नॉट है ना, इसके पहले भी लग सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है। जैसे क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डू यू नॉट गो, लेकिन इस पॉकेट में कौन सा अच्छा रहता है, बोल के देखो, डोंट यू गो, डू यू नॉट गो, विच वन साउंड्स गुड, डोंट यू गो, दिस साउंड्स गुड। तो इसी को याद करना है, इसी को बोलना है, दोनों सही है, राइट। तो ये हो गए निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव इंटरगेटिव, निगेटिव इंटरगेटिव। जैसे वह आता है, ही कम्स, वह नहीं आता है, ही डजंट कम, क्या वह आता है, डज ही कम, क्या वह नहीं आता है, डजंट ही कम। इसके बाद दो और इसके फॉर्म है, राइट। उसके बाद आपको पता है कि WH question, सवाल जब कभी भी होगा ना तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, याद रखो, सवाल जब भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और अगर WH है तो ठीक इसके पहले WH। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो, राइट। तो ये हो गए WH क्वेश्चन, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम, राइट। क्या वह तुमसे मिलने आता है, डज ही कम टू मीट यू, वह तुमसे मिलने क्यों आता है, व्हाई डज ही कम टू मीट यू, राइट, इज द क्लियर। मैं, क्या तुम वहां नहीं जाते, डोंट यू गो देयर, राइट, क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर। अब उसके बाद फाइनल WH निगेटिव क्वेश्चन, यानी क्या भी और नहीं भी, तो ये WH हो गए। उसके बाद आपको पता है निगेटिव है तो डज या डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, यानी क्यों भी और नहीं। जैसे तुम क्यों नहीं आते, व्हाई डोंट यू कम, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू कॉल मी, वह क्यों नहीं आता है, व्हाई डजंट ही कम, राइट, वह तुमसे बात क्यों नहीं करता है, व्हाई डजंट ही टॉक टू यू। अब आप देखो ये पूरा V1 V5 का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, करता है, राइट, V1 V5, अगर नेगेटिव होगा तो डोंट या डज नॉट, और अगर सवाल है तो डू या डज पहले, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डोंट या डज नॉट, और WH है तो उससे पहले WH। क्लियर, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करते हैं। हम बोलते हैं रैंडमली, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वह कैसे आता है, हाउ डज ही कम, मैं पैदल आता हूँ, आई कम
on foot. Come on, पैदल की इंग्लिश by foot नहीं, on foot. I come on foot. Right? तुम नाश्ता किस समय लेते हो? What time do you take breakfast? Right? तुम नाश्ते में क्या लेते हो? तुम नाश्ते में क्या लेते हो? और क्या कहेंगे? तुम नाश्ते में क्या लेते हो? What do you take No, come on. Generally, मैं के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है. तो आपको तुम नाश्ते में क्या लेते हो? What do you take in breakfast? नहीं, याद रखो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए जो मैं के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो फॉर आता है. स्पेशल रूल याद रखो. तो What do you take for breakfast? तुम नाश्ते में क्या लेते हो? इज दैट क्लियर? तुम किस समय उठते हो? What time do you get up? Right. वह मुझे नहीं जानता है. He doesn't know me. He doesn't know me. क्या तुम तैरना जानते हो? क्या तुम तैरना जानते हो? अच्छा एक बात जान लो, क्या तुम तैरना जानते हो? तो होगा Do you know how to swim? आप कहेंगे how to क्यों? तो एक छोटा सा याद बात याद रखो, know या learn के बाद केवल 2 प्लस वी वन नहीं लगता, बल्कि नो या लर्न के बाद हाउ टू प्लस वी वन लगता है. राइट? नो या लर्न के बाद एक छोटा सा रूल याद रख लो, नोट कर लो, नो या लर्न के बाद हाउ टू वी वन लगता है. हाउ टू वी वन, दिस यू मस्ट कीप इन माइंड. नो या लर्न के बाद हाउ टू वी वन लगेगा, केवल वी वन नहीं लगेगा. जैसे मेरा भाई तैरना जानता है, माई ब्रदर knows how to swim. मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, I know how to play cricket. मेरे पिताजी कैरम बोर्ड खेलना नहीं जानते हैं, My father doesn't know how to play carrom board. क्या तुम तैरना जानते हो? Do you know how to swim? क्या तुम कार चलाना जानते हो? Do you know how to drive a car? मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, I am learning how to drive a car. Is that clear? So we can practice on these, right? This is the first structure V1 or V5. We can practice on this, right? And ek baat yaad rakho, practice, practice and practice. Acha ek baat main batau, ab mujhe bataiye ki English bolne ke liye kitne structures ki aavashyakta hai. Main batau aapko, keval 9 structures. Aap achambit reh gaye na, surprised reh gaye na. Kitna aasan hai yaar. सिर्फ 9 स्ट्रक्चर्स पे आप प्रैक्टिस कर लो, ईमानदार प्रैक्टिस. बिलीव मी, आई गिव यू सर्टिफिकेट, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. ओनली 9 स्ट्रक्चर्स, राइट? अगर 9 स्ट्रक्चर्स पे, और हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो 9 स्ट्रक्चर फर्स्ट, और उस पर प्रैक्टिस करेंगे. अगर आप हमारे प्रैक्टिस मटीरियल चाहते हैं, फ्री प्रैक्टिस मटीरियल, तो ऑक्सफेम का एक ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए. और उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल आपको फ्री मिलेंगे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कम ऑन, तो इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. तो गाइस, प्रैक्टिस सिंपल प्रेजेंट पे प्रैक्टिस करिए. जैसे कि सुंदरता सबको आकर्षित करती है, ब्यूटी अट्रैक्ट्स ऑल. मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो होम. वह भी घर नहीं जाता. अच्छा एक बात जानो, वह भी घर नहीं जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ही doesn't go home either. बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, he also doesn't go home. याद रखो कि ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि negative में also का प्रयोग भी की मीनिंग में नहीं होगा, बल्कि either होगा और वो सेंटेंस के अंत में आएगा. क्लियर? तो वह भी घर नहीं जाता, he doesn't go home either. अच्छा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अगर कहें वह भी घर जाता है, तो he goes home as well. अब जो पॉजिटिव में भी की मीनिंग है वो as well है. आप ये भी कह सकते हो he also goes home, या he goes home too. He goes home too, right? तो पॉजिटिव में जो भी की मीनिंग है वो है as well, too और also. नेगेटिव में जो भी की मीनिंग है वो है either. My interpretation, इसे हम either भी पढ़ते हैं और either भी पढ़ते हैं. तो अब V1, V5 वालों देखा, V1, V5 जब तब यूज करेंगे जब उसकी मीनिंग होगी करता है, जाता है, खाता है, पढ़ता है, सोता है, हंसता है, बैठता है, उठता है, भागता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो? Why don't you call me? वह मुझे कॉल क्यों नहीं करता? Why doesn't he call me? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सिंपल पास्ट V2.
याद रखो V1 V5 की जो हिंदी स्ट्रक्चर है वो करता है, लेकिन V2 की हिंदी स्ट्रक्चर करता था नहीं, कमॉन ता था नहीं। हम ता था तब यूज करते हैं जब V2 यूज करते हैं, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। राइट, इसका जो होगा ना वो होगा किया या किया था। कमॉन, आप अगर हिंदी स्ट्रक्चर भी याद कर लो ना तो आसानी हो जाएगी। राइट, तो याद रखो कि V1 और V5 की तो हिंदी स्ट्रक्चर है करता है, लेकिन करता था V2 का नहीं होगा, वो यूज टू का होगा। दैट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। किया या किया था मतलब अगर कहोगे जाता है तो पास होगा गया या गया था, पढ़ता है तो पढ़ा या पढ़ा था, हंसता है हंसा या हंसा था, देखता है देखा या देखा था, सुनता है सुना या सुना था, पूछता है पूछा या पूछा था, आता है आया या आया था। दिस इज द क्लियर। अब इसके जो स्ट्रक्चर होंगे, आपको पता है निगेटिव जब भी होगा, निगेटिव तो आप कहेंगे सब्जेक्ट, तो पास्ट है V2 जब कभी भी होगा ना तो डिड, और निगेटिव है तो डिड नॉट, और डू और डस के डिड, डू डस डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। जैसे कहोगे मैं वहां गया था, आई वेंट देर। आप कहोगे मैं वहां नहीं गया था तो आई डिड नॉट, और जैसे ही डिड आ गया ना, अब ये वेंट गो यानी वर्ब के पहले फॉर्म में आ जाएगा, आई डिड नॉट गो देर, मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देर। ये डू डस डिड के बाद वर्ब हमेशा पहले फॉर्म में होगा। इज द क्लियर। अगो मैं उससे मिलने गया था, आई वेंट टू मीट हिम। कम ऑन, एक और बात जानो, जब दो एक्शन हो ना तो एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन आता है तो उससे पहले टू लगता है। जैसे मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, मैं वहां उससे मिलने के लिए गया था, आई वेंट टू मीट हिम। इज द क्लियर गेटिंग। तो जब कभी भी एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन आता है तो टू लगता है। गेटिंग गाइज। तो जब कभी भी बात करेंगे, जैसे वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, मैं पिछले क्लास में नहीं आया था, आई डिड नॉट कम इन द लास्ट क्लास, वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम। तो जब कभी भी हम पास्ट की बात करेंगे और वो निगेटिव होगा तो डिड नॉट उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट लिसन। राइट, तुमने कॉल नहीं किया था, यू डिड नॉट कॉल, तुमने मुझे कॉल नहीं किया था, यू डिड नॉट कॉल मी। अब अगर सवाल होगा, दैट इज इंटेरोगेटिव, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, दिस इज इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव की मीनिंग क्या होगी, क्या, जैसे क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुमने देखा, डिड यू सी, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे, डिड यू कम टू मीट मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने उसे देखा था, डिड यू सी हिम, क्या तुमने से बात की थी, डिड यू टॉक टू हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर निगेटिव इंटरोगेटिव हो दोनों, मतलब क्या भी और नहीं भी, तो ये हो जाएगा डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। याद रखो निगेटिव इंटरोगेटिव में या तो आप नोट यहां लगाओ या आप यहां भी लगा सकते हो डिड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ भी नोट लगा सकते हो उसके बाद V1। राइट, जैसे क्या तुम नहीं गए थे, डिडंट यू गो या डिड यू नॉट गो, क्या तुमने नहीं देखा था, डिडंट यू सी या डिड यू नॉट सी। Exactly, दोनों, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में प्रेफरेबल ये है didn't plus subject plus V1, this is preferable. तो दिस वॉज निगेटिव इंटरोगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव। उसके बाद WH question. WH question. तो आपको पता है कि क्वेश्चन अगर है तो डिड पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और अगर WH है तो ठीक इसी के पहले WH। जैसे तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू टेल, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, और अगर WH निगेटिव होगा, WH निगेटिव क्वेश्चन, तो डिड तो होगा चूंकि निगेटिव है तो इसी में नोट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और इससे पहले WH। राइट, जैसे तुम क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिडंट यू कम, तुमने क्यों नहीं कहा, व्हाई डिडंट यू टेल। राइट, तुम क्यों नहीं गए थे, व्हाई डिडंट यू गो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था, व्हाई डिडंट यू कॉल मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो लेट्स प्रैक्टिस ऑन दिस।
तुम क्यों नहीं आते हो? कम ऑन, तुम क्यों नहीं आते हो? व्हाई डोंट यू कम? तुम क्यों नहीं आए थे? व्हाई डिडंट यू कम? राइट, तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते हो? व्हाई डोंट यू मीट मी? तुम मुझसे क्यों नहीं मिले थे? व्हाई डिडंट यू मीट मी? देखो क्या है, डोंट और डिड, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है. इज दैट क्लियर? गेटिंग? अगर मैं कहूं कि वह मुझसे मिलने आता है, ही कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया था, He came to meet me. Right. तुम क्या करते हो? What do you do? तुमने क्या किया? What did you do? Right. तुम कैसे जाते हो? How do you go? तुम कैसे गए थे? How did you go? क्या तुम उसे जानते हो? Do you know him? क्या तुम उससे मिलने गए थे? Did you go to meet him? क्या तुम रोजाना आते हो? Do you come every day? क्या तुम पिछले क्लास में आए थे? Did you come in the last class? तुमने क्या कहा? What did you tell? तुम क्या कहते हो? What do you tell? Is that clear? तो आप देखोगे V1, V5, V2 एक V1, V5 करता है और V2 क्या या किया था. Is that clear, guys? So we will do more practice on this. अब आप ये देख लो, difference between V2 and used to. Right? Come on, difference between V2 and used to, guys. V2 and used to. आपको पता है टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज टू V1. नो कम ऑन, V2 इज द पास्ट ऑफ V1 एंड यूज्ड इज ऑल्सो द पास्ट ऑफ यूज. मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में यूज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है. अब आप देखो मीनिंग क्या है. याद रखो मैंने कहा था कि ये V2 है ना, इट शोज past one of action. ये क्या बताता है? It shows past one of action. मतलब अगर past में केवल एक बार काम हुआ, याद रखो सिर्फ एक बार, तो V2 यूज करेंगे. और इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी किया या किया था. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे. आया या आया था, गया या गया, अभी हम लोगों ने डील किया था. आया या आया था, गया या गया था, देखा या देखा था, सुना या सुना था, पढ़ा या पढ़ा था, एटसेट्रा. तो ये V2 यूज करेंगे. राइट, इट शोज पास्ट वन ऑफ एक्शन, एक बार की बात हो, सिर्फ पास्ट में. जैसे मैं वहां गया था, कितने बार की बात है? एक बार की. तुम आए थे, कितने बार की बात है? एक बार की. तो जब एक बार की बात करेंगे पास्ट में, तो V2 और यूज टू. सुनो, इट शोज पास्ट habitual action. What action? It shows past habitual action. यानी past में एक बार की बात हो तो V2, और past में habit की बात हो तो used to. और habit एक बार नहीं होता, बार बार होता. हिंदी में समझो इसको कैसे कहेंगे. हिंदी में होगा करता था या किया करता था. क्या है यहां पे? ता था. जरा गौर से देखिए, ता था, करता था या किया करता था. तो हिंदी में जाने के लिए ताथा होगा. जैसे मैं वहां गया था, ताथा नहीं है ना, तो आई वेंट देयर. लेकिन सुनो, मैं वहां जाता था या मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर. बात समझ में आ गई? सिर्फ अगर किया या किया था तो V2, और ताथा अगर आए तो यूज टू. अब मैं आपसे बोलो, आप बताइएगा यूज टू, इतना कहना यूज टू V2. तुमने क्या किया? V2. तुम क्या करते थे? यूज टू. तुम कहां रहते थे? यूज टू. तुम क्या खाते थे? यूज टू. राइट, तुम कैसे आए? अब यहां ताथा नहीं है ना, तो V2. राइट, तुम कैसे आते थे? यूज टू. मैं उससे मिलने गया था. अब जरा देखो, मैं उससे मिलने गया था, ताथा नहीं है, तो V2 यूज होगा. लेकिन कहोगे मैं उससे मिलने जाता था, यूज टू. राइट, वह आता था, यूज टू. तुम कहां गए थे? V2. तुम कहां जाते थे? यूज टू. मैं तुम्हारा इंतजार करता था, ताथा, यूज टू. मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, V2. वह आया था, V2. वह आता था, यूज टू. आप समझ गए? राइट, क्लियर हो गया? तो जब कभी भी हम पास्ट में एक बार की बात करेंगे तो V2, और हिंदी क्या होगा? किया या किया था. और जब कभी भी पास्ट में हैबिट की बात करेंगे जो बार बार होगा, तो यूज टू. और हिंदी क्या होगा? करता था या किया करता था. अब कुछ एग्जाम्पल देखो इस पे.
अच्छा एक बात और देखो, अभी अभी मैंने कहा था कि जब निगेटिव बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट डिड नॉट और वी वन, टू डज डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। यहां जब करेंगे तो ये भी होगा सब्जेक्ट, और चूंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड नॉट, लेकिन जरा याद रखो ये यूज्ड अब है ना, ये यूज हो जाएगा यू एस ई टू वी वन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। जैसे ही डिड लगाया तो उसके बाद ये यूज हो गया, राइट, डिड नॉट यूज टू पीपल। एग्जाम्पल, वह नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आता था, ही डिड नॉट यूज टू कम। मैंने इंतज़ार नहीं किया था, आई डिड नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू वेट, राइट। करी तुमने उसे कॉल नहीं किया था, यू डिड नॉट कॉल हिम, तुम उसे कॉल नहीं करते थे, यू डिड नॉट यूज टू कॉल हिम। उसने मुझसे बात नहीं किया था, ही डिड नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता था, ही डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी, राइट। वह मुझसे मिलने आया था, ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आता था, राइट, ही यूज टू कम टू मीट मी। वह मुझसे मिलने नहीं आया था, ही डिड नॉट कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने नहीं आता था, ही डिड नॉट यूज टू कम टू मीट मी, क्लियर। और अगर सवाल होगा तो एवरीबडी नोज डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। और अगर यहाँ होगा तो डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। अब दोनों फर्क देखो, डिड सब्जेक्ट वी वन, राइट, डिड सब्जेक्ट वी वन, यूज टू इज एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा, राइट। और अगर निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो आपको मालूम है डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, याद रखो ये नॉट सब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है, और यहाँ निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू वी वन, राइट। और अगर डब्ल्यू एच होगा तो ठीक इससे पहले डब्ल्यू एच लग जाएगा, ठीक इसी के पहले डब्ल्यू एच, जैसे डब्ल्यू एच डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, और डब्ल्यू एच निगेटिव होगा तो डब्ल्यू एच डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, राइट। उसी तरह से यहाँ डब्ल्यू एच प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट यूज टू वी वन, यूज टू वी वन, और डब्ल्यू एच निगेटिव डब्ल्यू एच डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट यूज टू वी वन, राइट। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अगर मेरे को तुम क्यों नहीं आए थे, वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आते थे, वाई डिडंट यू यूज टू कम, राइट। गेटिंग, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते थे, व्हाट डिड यू यूज टू ईट, राइट। तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू यूज टू लिव, राइट। मैं चाय नहीं पीता था, आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी। एक बात जान लीजिए, ड्रिंक और टेक पे एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बता दें कि चाय के साथ जो सही वर्ब है ना, क्यों है, उस वीडियो में मैंने बताया है, वो आप देख लेंगे। चाय के साथ जो सही वर्ब है वो है ड्रिंक, हैव, राइट, स्वेलो, सिप, एट्सेट्रा। टेक चाय पीने में नहीं होता, बल्कि अगर मैं कहूँ चाय लीजिए तो टेक टी होगा, इज द क्लियर, राइट। सो दिस वॉज द थिंग दैट, नो कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर थिंग, राइट, एंड ऑफ कोर्स वी विल, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस, तीन स्ट्रक्चर हो गए। नंबर वन, वी वन वी फाइव करता है, वी टू क्या या किया था, और यूज टू करता था, राइट। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, आई वेट फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, आई वेटेड फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता था, आई यूज टू वेट फॉर यू। गाइज, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कम ऑन, एक छोटा सा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि How often do you go to the cinema? Come on. अच्छा एक छोटी सी बात जान लीजिए, मैंने क्या लिखा, How often do you, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, राइट। हाउ, अच्छा
often can also be pronounced often. It has two pronunciation, often be or often be. How often do you, verb ka pehla form. Iski jo Hindi meaning hogi, hoga tum kitni baar, tum kitni baar, how often do you. Jaise kahe, tum kitni baar wahan jaate ho, how often do you go there. तुम कितनी बार उससे मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, राइट. अब आप ये बताएं, अगर यहाँ पे यू की जगह पे ही शी इट हो जाए तो क्या अंतर आएगा. याद रखो वर्ब का पहला फॉर्म वही रहेगा, डू की जगह पे डज हो जाएगा. जैसे तुम कितनी बार जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो. वह कितनी बार जाता है, हाउ ऑफन डज ही गो, हाउ ऑफन डज ही गो. मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट अगर एक स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट और फ्यूचर आसान हो जाएगा. सिर्फ क्या करना है, डू की जगह पे आप डिड कर दो पास्ट हो जाएगा और विल कर दो फ्यूचर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. जैसे तुम कितनी बार वहाँ जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर. तुम कितनी बार वहाँ गए थे, हाउ ऑफन डिड यू गो देयर. तुम कितनी बार वहाँ जाओगे, हाउ ऑफन विल यू गो देयर. क्या आपको ये बहुत आसान नहीं लगता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए, इट बिकम्स वेरी इजी, यू नो, राइट. अगर मैं कहूँ तुम कितनी बार खाना खाते हो यार, हाउ ऑफन डू यू ईट. तुम कितनी बार खाना खाया, हाउ ऑफन डिड यू ईट. तुम कितनी बार खाना खाओगे, हाउ ऑफन विल यू ईट. अगर आपका दोस्त है बार बार वॉशरूम जा रहा है, कहते हैं कितनी बार वॉशरूम जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू द वॉशरूम. अच्छा आपको पता है वॉशरूम के एक इंग्लिश लू भी है, LOO लू. ये अमेरिकन इंग्लिश है LOO. हमारे यहाँ भी लू होती है गर्मी के दिनों में, नहीं तो उसमें लू लगती है और यहाँ जाते हैं लगने के बबाद. ये बड़ा फ़र्क है दोनों में, राइट. LOO लू इस तक लें. एक बार फिर से देखो, हमने जो बताया है वो ये कि अगर V1 V5 दिस वॉज, इसका पास्ट होगा V2, और तीसरी चीज़ जो हमने बताया वो था used to V1. ये used to V1 पे हम लोग और भी कंप्लीट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में इस पर कंप्लीट करेंगे. करता है, याद रखो करता है, और ये करता था नहीं बल्कि किया या किया था. ये और करता था ये हो जाएगा, करता है, करता था, किया या किया था, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, राइट. जैसे वह आता है ही कम्स, वह आया था ही केम, वह आता था ही यूज्ड टू कम, राइट. मैं उससे मिलता हूँ आई मीट हिम, मैं उससे मिलता था आई यूज्ड टू मीट हिम, मैं उससे मिला था आई मेट हिम, क्लियर. अब आप क्या करो, आप क्या करो इन तीन स्ट्रक्चर्स पे, राइट, आप प्रैक्टिस कीजिए. देखो लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज रियली 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 राइट ईजियर इफ यू पुट योरसेल्फ इनटू द लर्निंग मोड. देखो हम में से बहुत लोग क्या होते हैं कि शिकायत करते हैं कि अरे हम बोल नहीं रहे. मैं उसको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि होता क्या है, एक आदमी ने नई कार खरीदी और सुबह सवेरे वो क्या कर रहा था कि गैराज से निकालना चाह रहा था. अब वो कितनों कोशिश करे उससे बाहर कार निकले ही नहीं. गुस्से में आया और उसने लाठी डंडा लेकर के, रॉड लेकर के कार को तोड़ने चूरने लगा. लोगों ने कहा यार इतनी नई कार खरीदे हो, ये क्या कर रहे हो, जुल्म, कार तोड़ रहे हो. कहा ये बहुत ही बेकार कार है, पीछे आती नहीं, बैक आती नहीं. कहा क्या बात करते हो यार, मैं कोशिश करके देखता हूँ. वो जाता है और कार को बैक कर देता है. कहता ये तो हो रही है, तुमने क्या कहा. कहा क्या करें, पहली गियर में लगाया तो आगे बढ़ गई, दूसरी गियर में लगाया तो आगे बढ़ गई, तीसरी में भी आगे बढ़ गई, चौथे में तो बंद ही हो गई, आगे भी ना बढ़ेगी. कहा अरे बेवकूफ़, कार को बैक करने के लिए एक बैक गियर होता है जिसमें लगाना होता है, तुमने लगाया. कहा नहीं. याद रखो हम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेज़ी सीखना तो चाहते हैं लेकिन अपने आप को लर्निंग गियर में लगाया ही नहीं है, स्पोकन गियर में लगाया ही नहीं है, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और बोल ही नहीं रहे. क्या मुमकिन है कि आप बोल पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट. याद रखिए the more you practice speaking aloud the quicker you learn spoken english. to practice kaise kare ki ye teen structure hai na, aapke paas koi bhi translation ki book hai use kholiye, aur agar nahi hai to koi baat nahi, hamare oxfam ke app ko download kijiye, description box mein uske link hai. aur hum kya karenge, aap oxfam ke jo study free study material hai usko aap access kar sakte hain, wahan se bhi practice kar sakte hain, right. to dekho kya kare ke आप दोस्तों के बीच बैठें, एक इंट्रैक्टिव क्लब बनाएं और हर दिन ये कहें दोस्तों से, देखो चलो हम लोग बैठते हैं आधे घंटे पढ़ेंगे. आप 10 मिनट पढ़ें आपका दोस्त सुनेगा, फिर वो 10 मिनट पढ़े आप सुने, फिर वो 10 मिनट पढ़े आप सुने, तो 10-10 मिनट तीन दोस्त पढ़ेंगे,
सुनेंगे। आधे घंटे पढ़ने का मतलब है कि आधे घंटे बोल रहे हो, और याद रखिए आप पढ़ के देखिए आधे घंटे, गैरिंग मैं जो कह रहा हूँ उसे करके देखिए, राइट, यू वुड बी सक्सेसफुल, यू वुड बी रियली सक्सेसफुल। तो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू डू रेगुलरली और प्रैक्टिस विद मी, प्रैक्टिस। अब चलो लेट्स प्रैक्टिस। तुमने क्या कहा बोलो, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू टेल, तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते थे, व्हाट डिड यू यूज टू से, राइट। वह नहीं आता है, बोलिए, ही डजंट कम, वह नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आता था, ही डिड नॉट यूज टू कम, मैंने इंतजार किया था, आई वेटेड, मैं इंतजार करता हूँ, आई वेट, मैं इंतजार करता था, आई यूज टू वेट, राइट। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहे थे, वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू यूज टू लिव, वेयर डिड यू यूज टू लिव, राइट। मैं तुमसे मिलने जाता था, आई यूज टू गो टू मीट यू, वह मुझसे मिलने आता था, ही यूज टू कम टू मीट मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते थे, Why didn't you used to talk to me? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया? Why didn't you talk to me? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? Why don't you talk to me? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, I wait for you. मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, I waited for you. मैं तुम्हारा इंतज़ार करता था, I used to wait for you. Come on. तो मैंने एक छोटा सा शुरू किया था डायलॉग, फिर से बोलता हूँ। How often do you go to the cinema? राइट तो फिर ए कहता है हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, बी कहता है आई गो 3 or 4 times अ मंथ्स, हाउ ऑफन डू यू गो, तुम कितनी बार जाते हो, आई गो ओनली 2 times a month बट आई सी फिल्म्स ऑन टेलीविजन टू, लेकिन मैं टेलीविजन पे भी फिल्म देखता हूँ। कहता है ओह डू यू हैव अ टेलीविजन सेट, क्या तुम्हारे पास टेलीविजन सेट है, कहता है यस वी डू। एक छोटी सी बात जान लो, जब कभी भी हम बात करेंगे मेरे पास है तो आई हैव, आप कहोगे मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव, लेकिन याद रखो आई हैव के बाद वर्ब नहीं होगा, नाउन या प्रोनाउन, और यहां भी नाउन या प्रोनाउन, और यहां भी नाउन या प्रोनाउन, दैट इज अगर वर्ब आ जाएगा ना तो फिर से वो एक्शन हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें ही प्रैक्टिस कर लो, आप कहोगे मेरे पास समय है आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है आई डोंट हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है डू यू हैव टाइम, तुम्हारे पास क्या है व्हाट डू यू हैव। अच्छा एक डायलॉग था ना कि मेरे आई हैव नेम फेम एंड मनी, मेरे पास पैसा है मेरे पास शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तो वो कहता है आई हैव मदर, मेरे पास माँ है, राइट। तो गाइज अब ये देखो दिन भर में कितनी बार आप बोलते हो गए, हजारों बार बोलते हो गए, इज द क्लियर। सो व्हाट यू डू इज कि गाइज व्हाट यू डू इज कि स्टे ट्यून विद ऑक्सफेम, आप ऑक्सफेम से जुड़िए। अभी तो हमने टेंस खत्म नहीं किया, ये लेक्चर 1 है, उसके बाद आगे लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में भी हम खत्म करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अच्छा एक और बात मैं कहता जाने से पहले एक छोटी सी बात और सुन लें, वो ये कि अगर आप चाहते हैं हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर भी दिया गया है, और फिर आपसे हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। हमने एक SSC बैंक का यानी स्पेशल चैनल शुरू किया है, इस वीडियो इसमें आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हमारा अलग से चैनल है। अगर आप SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें 0 level से लेकर आखिरी तक हम आपको पढ़ाएंगे, एंड दैट टू वेरी एक्सक्लूसिवली फ्री, उसमें एक भी चार्ज नहीं, सारे ग्रामर idioms एंड phrases और जितने भी प्रैक्टिस होती हैं वो भी हम करेंगे। ओनली थिंग इज़ दैट स्टे ट्यून विद अस। अगर आप कोई कॉमेंट्स करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्या आपके लिए कर सकता हूँ, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, राइट। आई प्रे फॉर योर ग्रैंड सक्सेस एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।